ठीक है ओके आज हमारा टर्म है हिंदी पोयम। आज की शिष्य का हमारा टर्म है हिंदी पोयम का। तो सभी लोग हिंदी पोयम का बुक निकालिए और पेज नंबर 3 to 32 को ओपन करिए। ओपन करिए, इसमें देखिए यहाँ दिया हुआ है चतुर खरगोश। क्या दिया है? चतुर खरगोश। चतुर मीन्स होता है होशियार या समझदार। खरगोश, खरगोश कोई जानवर है, एक जानवर है जिसको बोलते हैं, जिसके ये देखिए यहाँ चित्र में खरगोश का चित्र दिखाई दे रहा है। ये है क्या? खरगोश, चतुर खरगोश। ठीक है, तो आइए सब लोग बुक निकालिए राइम्स की और पेज नंबर 3 to 32 को ओपन करिए। फिर उसके बाद से आगे हम लोग पढ़ते हैं कि क्या दिया हुआ है चतुर खरगोश हिंदी पोयम में। तो हिंदी पोयम तो पोयम टाइप का, बट यहाँ पे दिया है एक स्टोरी, लास्ट पेज है, तो इसलिए आपको क्या डाल दिया है? कहानी, हिंदी में कहानी दिया हुआ है। तो दिया है यहाँ पे क्या दिया है, पहला लाइन, किसी जंगल में, मतलब कोई जंगल है। जंगल किसको कहते हैं? आपको पता है ना, खूब ढेर सारे पेड़ पौधे वगैरह रहते हैं, जहाँ कोई नहीं रहता है उसको क्या बोलते हैं? जंगल। किसी जंगल में चीकू, चीकू जैसे आपका नाम है नित्या, अतिथि, अतीशा, शरीफ, रजा, जैसे आप लोग का नाम है वैसे ही इनका नाम है इस खरगोश का, क्या? चीकू। चीकू नाम का एक खरगोश था। ये खरगोश का चित्र आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये चीकू है, उसका क्या नाम था? खरगोश। इस खरगोश का क्या नाम था? चीकू। ठीक है, तो आगे क्या होता है कि एक दिन वह अपनी पत्नी के साथ बाग में घूम रहा था। ये देखिए, ये जो खरगोश है उसकी पत्नी, चीकू की पत्नी, ये अपनी पत्नी के साथ कहाँ घूम रहा था? बाग में। तो उसकी मतलब वो बाग में घूम रहा था, तो क्या होता है कि उसकी पत्नी ने पेड़ पर लटके फल देखे। मतलब यहाँ देखिए इस चित्र में यहाँ पे देखिए कि इसकी, चीकू की ये पत्नी है और अपनी पत्नी के साथ चीकू खरगोश बाग में टहल रहा था, तभी इसकी पत्नी ने, देखिए यहाँ पे देख रही है, ये देख रही है क्या कि उसकी पत्नी ने पेड़ पर लटके फल देखे। ये पेड़ है, इस पेड़ पर ये देखिए पीला पीला रंग का क्या है? फल लटका हुआ है। तो उसके मुंह में पानी आ गया। किसके मुंह में? चीकू की पत्नी के। ठीक है, पेड़ पर लटके लटके फल देखे तो चीकू के मुंह में पानी चीकू की पत्नी के मुंह में पानी आ गया। आगे क्या होता है देखते हैं। उसने चीकू से फल तोड़कर लाने को कहा। किसने? चीकू की पत्नी ने। इस पर चीकू ने कहा कि यह बाग एक भेड़िए का है। जो चीकू खरगोश है वो कह रहा है कि यह बाग, चीकू कह रहा है कि यह बाग एक भेड़िए का है जो बहुत ही खूंखार है। जो बहुत ही क्या है? खूंखार है, मतलब खतरनाक है, डेंजर है। तो मतलब किसी भी जानवर को देखता है तो छोड़ता नहीं, उसे मार डालता है। इसीलिए वो कह रहा है कौन? चीकू, यह बाग एक भेड़िए का है जो बहुत ही खूंखार है। परंतु चीकू की पत्नी उसके सामने समझाने पर भी ना माने। लेकिन क्या होता है? चीकू की पत्नी उसके समझाने पर भी नहीं मानती है, तो हार कर मतलब थक मनाते मनाते थक जाता है चीकू खरगोश, तो फल तोड़ने को जाना पड़ा। मतलब हार कर चीकू को फल तोड़ने जाना पड़ा। चीकू ने जैसे ही फल तोड़ना शुरू किया वहाँ भेड़िया आ गया। मतलब चीकू क्या, चीकू खरगोश है, वो फल तोड़ने जैसे ही शुरू किया था तभी वहीं पे कौन आ गया? भेड़िया आ गया। ठीक है, तो चीकू फौरन क्या करता है? चीकू फौरन फल लेकर भागा और पास पड़े ड्रम में घुस गया और उस ड्रम में फल रखकर बाहर आकर चुपचाप खड़ा हो गया। पेज नंबर
33 पे देखिए दिया हुआ है चित्र में कि ड्रम रखा हुआ है, वहाँ पे क्या करता है चीकू। चीकू ने जैसे ही फल तोड़ा तब तक कौन आ गया, भेड़िया आ गया, और चीकू फौरन ही फल लेकर भागा था और पास पड़े वहीं पेज नंबर 34 पे देखिए 33 पे कि ड्रम पड़ा हुआ है, उस ड्रम के नीचे क्या करता है वो घुस जाता है कौन, चीकू, और उस ड्रम में फल रख कर बाहर आकर चुपचाप खड़ा हो जाता है कौन, चीकू। होशियार है ना। अब इसके आगे क्या होता है अगले दिन देखेंगे, तब तक इतना समझिए कि किसी जंगल में एक चीकू नाम का एक खरगोश रहता है। एक दिन वो अपनी पत्नी के साथ बाग में क्या कर रहा था, टहल रहा था, तो उसकी पत्नी ने पेड़ पर फल लटके फल देखे, मतलब कुछ फल लगे हुए हैं उस पेड़ पर, इस चित्र में देखिए लगा हुआ है, तो उसने फल देखा है और उसके मुँह में पानी आ जाता है, किसके, उसकी पत्नी के, तो उस वो क्या करता है, वो चीकू से कहती है कि जाओ मुझे फल तोड़ कर ला के दो। इस पर चीकू कहता है नहीं बाबा, ये बाग एक भेड़िए का है जो कि बहुत खतरनाक है। परंतु चीकू की पत्नी उसके समझाने पर भी नहीं मानती है, तो अब हार कर चीकू को क्या करना पड़ता है, फल तोड़ने जाना पड़ता है। अब जैसे ही फल तोड़ना शुरू किया होता है वैसे ही बाग का जो मालिक भेड़िया है वो आ जाता है, तो अब ये देखकर चीकू क्या करता है, फौरन जल्दी से लेकर भागता है और पास पर ड्रम में घुस जाता है और उस ड्रम में फल रखकर तुरंत बाहर आ जाता है। आगे क्या होता है, मज़ा आया ना, इतना पढ़ के सुनाइए, आगे क्या होता है अगले दिन बताएंगे। ओके बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।